मैं और यश जा रहा हूँ समस्तीपुर, और यश का क्या प्लान है वो यश ही बताएगा। तो एक मिनट, क्या प्लान है यश? अभी ना बताए हुए जा रहा हूँ प्रयास देने। कहाँ पहुँच गए? नानी घर। अभी तो समस्तीपुर स्टेशन पहुँचे। अब यहाँ से छोटा गाड़ी पकड़ के चलना है। उतर जाइए। यस आ गया अपने नानी के गांव। अब जाएगा सरप्राइज देने के लिए, देखते हैं कैसा रहेगा ये सरप्राइज। चुन्नी नानी छमोद मामा आयल हन, धनी चल ला जल्दी छ। तो धनी सरप्राइज दे दिया। हम भी जाएंगे। ताव रहो, आप नहीं जाना है सुमित अंकल के साथ, हमने पास रहो। नहीं ना जाएगा, चलिए आपको बहन दिखाते। किधर है बहन? उस तरफ नदी है, बूढ़ी गंडक नदी, जिसके पानी को रोकने के लिए ये बांध का निर्माण किया गया है, ताकि इस तरफ गांव में पानी ना जाए, बाढ़ का पानी। फिर चला जाए वापस। यस, हम लोग यहां से घूमने जा रहे हैं हांसा चौक, जो कि वहां पे है, वो जो रेड वाला मंदिर दिख रहा है ठीक वहीं पे। तो हम लोग इधर से घूम के वहां पे जाएंगे, चलते हैं यश के साथ। हाँ साहब, मस्जिद क्या हो गया? धनिश पूरे मस्ती में है अपने नानी के यहाँ ना। गांव की हरियाली, जीरो पॉल्यूशन। तो अब हम लोग हांसा चौक पहुंच गए हैं। ज्यादा बड़ा चौक नहीं, दो चार दुकान है यहाँ पे।
हांसा बॉर्डर, इस तरफ हांसा, इस तरफ सतमलपुर। हांसा चौक का एकमात्र फास्ट फूड शॉप और ये सलून देख के 1996 याद आ गया होगा। और इस तरफ फूड का और इधर बजरंगबली का मंदिर। रात में कितना बजे तक रहते हैं? ठंड में तो इतना लोग रुक भी नहीं करता है। दो बार में दोनों साइड से अंडा डाल लेना, मतलब दो बार में खोल के एक ही बार में खोल के काम चला ले। अब दोनों साइड फिल हो गया अंडा। बहुत ज्यादा खुला पैसा तो तुम यहाँ से मिट्टी ले लिया है ना, तीन लोग ये पैसा दे जाए तो मेरा नाश्ता तैयार है। हाँ। काफी गर्म है, हाथ में गर्मा गर्म लग रहा है, टेस्ट करते हैं। गर्म बहुत है, टेस्टी भी बहुत है। इसमें जो ऊपर जो स्पाइस छिटा हुआ है बड़ा मस्त लग रहा है। थोड़ा और ठंड भी बहुत है, सब ज़्यादा गर्म टेस्टी लगता है। राजू भैया के दुकान। तो यश का नानी को सरप्राइज भी हो गया, हम लोग हांसा चौक भी घूम लिए और थोड़ा सा हम सेविंग भी करा लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बोलो सब्सक्राइब कर लें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इसको बोलने नहीं आता, आप धीरे धीरे सीखेंगे।